What's up, stretch boys? Hello, welcome to today's episode of Big Scratch by Sex. Is that right? And today we'll be listening to Vaisa Beta by Chenke, which proves the power of our stress fam on the Discord community. मैं इसलिए बोल रहा हूँ Discord पे जाओ, वहाँ अलग ही सीन करो भाई, आ जाओ. And also, what I noticed, गाना खोलते ही, look at the right side of the screen, my man. It says song is Vaisa Beta, album is Door Duniya, artist rapper Chenke. डायरेक्शन एडिटिंग चेन के, कलर ग्रेडिंग चेन के, डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी चेन के, म्यूजिक प्रोडक्शन चेन के, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग चेन के, लिरिक्स रिटन बाय आई गेस उसको मजा आता है भाई ये सब, मतलब नॉट डूइंग द वर्क, हमको दिखाना कि आई एम द फ्रीकिंग मैन बिहाइंड दिस होल पीस ऑफ आर्ट, इसको मजा आता है. एंड कुछ अलग नाम दिख रहे हैं मेरे को, दैट इज ऑन कैमरा नयाब सिद्दीकी, हामिद सेबेस्टियन एंड पैजुल. सो बिग शाउट आउट टू देम फॉर यू नो नॉट letting Chenke take all the limelight in the song. But without further ado, we are going to jump straight into it. All love to my Discord fam, bro, to the Stress fam. But we are going to listen to the song. This is Big Scratch by Sex. And we have got Poco right here. Sabko pata hai, the real world snow. When we listen to Chenke, my man is right here. Even though he's sleeping, he's right here. So without further ado, we are going to jump straight into it. This is Big Scratch by Sex. And we are listening to Vaisa Beta by Chenke. Let's get it. आ भाई वीडियो देखते आ जाओ. द नेम वैसा बेटा सुन के लग रहा है इट इज लाइक उसकी माँ बोल रही है या कुछ. एंड देयर वी गो लफ्जों में बेहिस्सी, लहजे में बदतमीजी, चेहरे पे मेरे तेजी, हर बात पे क्यों आए हंसी, बड़ों से बदले हाजी, ना ना करूं बस अपनी मर्जी, माँ बाप चाहे एक नेक बेटा, काश मैं होता वैसा बेटा. Yeah. Okay. I told you, सुन के लग रहा है कि he's talking about, you know, उसके माँ बाप या माँ उसके बारे में क्या सोचती है, वैसा बेटा. So, it's like, माँ बाप को चाहिए एक नेक बेटा, काश मैं होता वैसा बेटा. If this is the hook, I feel it is a little out of point with respect to the delivery. You know what I mean? नेक बेटा, काश मैं होता वैसा बेटा. थोड़ा consistent नहीं है flow. Yeah. But let's listen to the song. Let's listen to the verses. It's gonna... You know, wish. You know, all right. You know, suno. Okay. जब देखो मेरी माँ बाप से बहस, गुनाह पे गुनाह सर मेरा तहस नहस, खुदा दे सजा बेवजह लड़के लेटा, खुदा दे रजा बना दे वैसा मुझे बेटा, जगह जो रखे याद माँ बाप खुदा के बाद, चाहे दिन हो या रात माँ बाप का जो दे साथ, हाथ हर घड़ी जो पकड़े, कामों में दिखाए ना नखरे, बना दे वैसा बेटा जो घड़ी घड़ी ना झगड़े, जो हर घड़ी बस सोचे कैसे माँ का दिल जीतेगा, कैसे बचपन की तरह तोहफे माँ को लाके देगा, कैसे हुलिया भी उनकी मर्जी का रखेगा, बना दे वैसा बेटा जिसके दिल में बाप का डर था, मर जा तू मेरा खून नहीं, घर जाए तेरा घर नहीं, जानवर जैसी जिंदगी, भेजा तेरा खास नहीं, बातें पुरानी कुछ कब से सर पे घूमे, एक दो गाने लिखे मैंने तब से, गौर से मुझे सुनो यो, काश मैं होता वैसा. I guess this song is pretty old क्योंकि I do not see the, you know, the complex rhyme schemes that Chenke always writes, but I totally feel the song, man. That is what music is all about. You gotta feel it and I do feel it. He's like, मैं अपने माँ बाप की तरह बेटा नहीं बन पाया, मैं काश मेरा वैसा हो लिया होता जो मेरे माँ बाप पसंद करते, काश मेरे दिल में वो डर होता जो मेरे पापा चाहते थे कि हो, और a lot of things, man. I feel the emotions in it. So, he's also regretting the fact that he is not how his parents wanted him to be. And also is glad about the fact because he's वो कोई पुतला या mannequin नहीं है, he does his own things. But for that, he had to lose stuff. You know, he had to lose, I guess, touch with his family. And also, ये habit मैंने बनाया description पढ़ने का. So I know he नीचे उसमें लिखा था कि sometimes you gotta give up shit to, you know, follow your dreams and passions and you gotta do it, whatever it be. So I guess he had to lose touch with his family. अपने माँ बाप की डांट से ना चिढ़ता, जो अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ता, काश मैं होता वैसा बेटा जो जिंदा लाश की तरह चलता फिरता, जो अपने माँ बाप की डांट से ना चिढ़ता, जो अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ता,
लाश की तरह रही मेरी ये जिंदगी। माँ मेरी दो सौतेली और सगी, सौतेली जैसे सगी, कभी कभी सगी जैसे सौतेली। अजीब सी रही जिंदगी, इसमें भी मेरी क्या गलती, अमीरी और गरीबी देखी। शेड मैन, टू बी ऑनेस्ट आई एक्सपेक्टेड मोर राइम्स विद द स्टोरी टेलिंग, तो ठीक है ऑन पॉइंट है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर राइम्स बिकॉज दैट इज व्हाट चेन के इज गुड एट। तेली अजीब सी रही जिंदगी, इसमें भी मेरी क्या गलती, अमीरी और गरीबी देखी मैंने बड़े ध्यान से। मुश्किलें थी सर पे मेरे, माँ बाप परेशान थे, मेरी माँ मजबूरी पन में चुप, घर के वास्ते मेरा बाप मजबूरी पन में चला गलत रास्ते, लेकिन हाथ से बाप के एक वाले खास थे। पैसों में लापरवाही लेकिन पाला में प्यार से, माँ के आंखों में आंसू मेरे बाप को ना बर्दाश्त थे। तभी चला वो ऐसी जगह जहाँ पड़ी उनको बुरी आदतें, उन बुरी आदतों की वजह से पैदा अंदर ये जानवर, जो सोच लिया वो करूँ मैं अंदर किसी का ना डर। माँ बाप फिक्र में होगा, बुरा हाल कब्र में होगा, बुरा नाम खबर में, फिर मैं सोचूं मर मर के, काश मैं होता वैसा बेटा जो जिंदा लाश की तरह चलता फिरता, जो अपने माँ बाप की डांट से ना चिढ़ता, जो अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ता। काश मैं होता वैसा बेटा जो जिंदा लाश की तरह चलता फिरता, जो अपने माँ बाप की डांट से ना चिढ़ता, जो अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ता। माँ क्या तुझे याद नहीं कैसे हफ्तों में 20 रुपए के लिए तरसता। माँ क्या तुझे याद नहीं कैसे फटे कपड़ों को मैं फैशन बनाता, आज 20,000 हफ्ते का खर्चा, आज यही फटी जी। एक मिनट हिसाब लगा लेते पहले, 20,000 हफ्ते का खर्चा मतलब 20,000 × 4 = 80। ओह शिट, ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ म्यूजिक। शिन बनाता, लेट्स डू द मैथ। 20,000 हफ्ते का खर्चा, आज यही फटी जींस, देखो मेरा चर्चा। आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि फटी जींस से पैसे आ रहे ब्रो, एंड ही जस्ट सेड 20,000 हफ्ते का खर्चा, आज यही फटी जींस, देखो मेरा चर्चा। कामयाबी कब की मैंने कर ली है हासिल, पढ़े लिखो से ज्यादा कमाता ये जाहिल, पर नादिर को क्यों कुछ पढ़े लिखे लगे जाहिल, इस माहिर को क्यों दुनिया नकली लगे बाहर, क्यों नौकरी को सारे। डूड यू जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड आंसर्ड इट योरसेल्फ। यू सेड कि ये बाहर वालों को क्यों नादिर लगे जाहिल, और क्यों मुझे लगे कि ये बाहर सब कुछ फेक है। सो दैट इज द एग्जैक्ट रीजन, यू नो, पढ़े लिखो से ज्यादा कमाता ये जाहिल, पर नादिर को क्यों कुछ पढ़े लिखे लगे जाहिल, इस माहिर को क्यों दुनिया नकली लगे बाहर, क्यों नौकरी को सारे समझते हैं कामयाबी। गौर से ये सुनो माँ, नौकरी नौकर क्या तू चाहती है कि बेरे मेरे बेटे तुम आओ भाई, गले मिलो यार, इधर आओ भाई, तुम गले मिलो यार, क्या बात करी है यार। टोटल सिंक विथ यू माय मैन चन के, टोटल सिंक है। कामयाबी गौर से ये सुनो माँ, नौकरी नौकर क्या तू चाहती है कि मैं बनूं किसी का नौकर, क्या तू चाहती है कि मैं रहूं अंदर से मरकर। अरे सोचे जरा गौर से, मुश्किलों ने बदला मेरा भेजा, जैसा बाप वैसा बेटा, वैसी सोच वैसा लहजा। काश मैं होता वैसा। This is a rhyme that I was looking for. Think about it, भाई. पूरे गाने में ऐसे rhyme schemes maintain करके ये story बोलता ना, मैं पागल हो जाता यार. But still, I feel it. कि मैं रहूं अंदर से मरकर, अरे सोचे जरा गौर से, मुश्किलों ने बदला मेरा भेजा, जैसा बाप वैसा बेटा, वैसी सोच वैसा लहजा। काश मैं होता वैसा बेटा जो जिंदा लाश की तरह चलता फिरता, जो अपने माँ बाप की डांट से ना चिढ़ता, जो अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ता। काश मैं होता वैसा बेटा जो जिंदा लाश की तरह चलता फिरता, जो अपने माँ बाप की डांट से ना चिढ़ता, जो अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ता। ओह 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 I love this guy, man. I absolutely love him. I absolutely love Chen K, man. He's living his life, man. He's living his life. Look at him. And he is not ashamed of it. Why? मतलब क्यों होगा भी क्यों, man? He is doing his thing. He is living his life, bro. He's living. Oh shit. कितनी बार बोल रहा है? Oh shit. He's got some moves. He does photography. ये मेरे को पता है. Videography, editing. Oh shit, my shit. अरे दुनिया गई भाड़ में, फिकर सबकी झाड़ दे। दुनिया गई भाड़ में, फिकर सबकी झाड़ दे, अपना काम कर, वो भी तू ध्यान से। Shit man.
Dur Duniya. I got a mini album. Okay, I guess it's an EP, but I gotta listen to it, man. I gotta listen to it. Nafse Amara, I listen to it, bro. I listen to it. Shit, bro. Oh, yaar. I absolutely love this guy because he's live. वो किसी और के लिए नहीं जीता है, ना ही music बनाता है. The best part is there are people out there जो music बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं. And maybe they are getting that money, पर जो वो पैसा कमा रहे हैं जिस जो काम करके the music they do not love their own music. ऐसे बहुत लोग हैं, but Chen, he's having fun with every bit of it. उसके music production से शुरू करके lyrics लिखना, lyrics deliver करना, videography करना, उसका editing करना, everything, every one of these उसके उसके ड्रीम लाइफ को डिफाइन करती है. यू नो व्हाट आई मीन, सब कुछ से उसके बाद उससे उसको पैसे भी आ रहे हैं. यू नो व्हाट आई मीन, ही वाज आल्सो मॉडलिंग के साइड में भी था. सो व्हाइल इज एक्ट, मतलब ही इज लिविंग हिज ड्रीम लाइफ, मैन, ही इज लिविंग हिज ड्रीम लाइफ. आई एब्सोल्युटली लव दिस गाय ब्रो, फॉर यू नो ही इज डूइंग हिज थिंग एंड ही, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को यही बहुत अच्छा लगता है. सो take some inspiration out of it, do your thing, man, do your thing. Kabhi kisi ka socho nahi, you gotta do some sacrifices, but you gotta do what you gotta do for yourself, all right? So karo, and aur jo tumhe karna hai wo hai, agar tumhe ye reaction pasand aaya, you know what to do, go down there and leave a like below. If you didn't, then leave a dislike, but subscribe to my channel. If you are out here leaving likes and dislikes whatever on my channel, you are watching my content, so you know what to do. Subscribe to my channel right there. All right, tap that red button below. Subscribe karo, support the fellow artists. Do not hesitate to find me out on Instagram and Discord. Listen to my music on Spotify. Listen to my music on YouTube. Just search for Big Scratch and head to the playlist original music. Jaake mere gaane suno. Thank you so much for watching the video. Thank you so much for the love and support. Join me on Discord. This is Big Scratch and I'm out.